हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन ओली मथुरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ मंडे का वर्कआउट, लेग वर्कआउट, मेनली वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए जो मंडे का लेग वर्कआउट होता है, लोअर बॉडी वर्कआउट। आज मैं आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा। मैंने तो एक्सरसाइज कर ली है, बहुत थका हुआ हूँ मैं, आपके लिए एक एक एक्सरसाइज करके बताऊँगा, सिर्फ एक एक रिपीटेशन। पर आपको उस हर एक्सरसाइज के तीन तीन रिपीटेशन करनी है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। फुल बॉडी जो पूरा वर्कआउट होगा लोअर का होगा, क्वाड्रिसेप्स का, हैमस्ट्रिंग का, एब्डक्टर एडक्टर, काफ्स, पूरा इस चीज का वर्कआउट होगा। अपर बॉडी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी करेंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जब आप जिम में अपना वर्कआउट करने जाएं, तो सबसे पहले आप स्पेशली रोइंग एक्सरसाइज करें। रोइंग एक्सरसाइज है ये, जिसे मैंने आपको करके दिखाया अभी। इस एक्सरसाइज को करने से आपके फुल बॉडी वर्क करेगा, पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, आपके काफ, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, लोअर बैक, फोर आर्म, रिस्ट, शोल्डर, बैक, चेस्ट, सब आपका फुल बॉडी वर्क होगा। इससे आपको करने से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये हो गई। इसके भी आप तीन सेट करें, मैं आपको एक सेट करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं, करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं, तो तीन सेट कर नहीं सकता हूं। तो इसलिए आप तीन सेट करें हर एक्सरसाइज के, पहला 12, दूसरा 10, तीसरा 8, इस हिसाब से आप तीनों सेट करें। तो चलो दोस्तों देखते हैं दूसरी। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। इसमें आपको स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स आप अपने वेट के अकॉर्डिंग करें, ये नहीं है कि मैंने जितना वेट किया आप उसके हिसाब से करें। मैंने तो बस आपको करके दिखाया है, 15-15 की प्लेटें, 20 किलो, 21 किलो की, 22 किलो की रॉड होती है। तो मैंने तो सिर्फ आपको वीडियो बताई है। इसमें आप स्पेशली ध्यान दें, जब आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग हैवी वेट लें तो बेल्ट का यूज जरूर करें, वरना लोअर बैक पर इफेक्ट बहुत पड़ेगा। तो जब आप स्क्वाट्स करें तो आप ध्यान रखें आपके घुटने, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता ही होगी, घुटने आपके पंजे से आगे नहीं आनी चाहिए, वरना जो आपका वेट होगा वो घुटनों पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे कि आपके नी इंजरी होने के चांस होंगे। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। इसके भी आपको तीन सेट ही करने हैं, तीन सेट आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। इसमें आपको ये मशीन है, ये आपको हर जिम में मिल जाएगी, जिम आप करने जाओगे तो। स्पेशली ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रिसेप्स के लिए है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करें तो ध्यान रखें, नीचे आप स्लो लेके जाएं, ऊपर आप थोड़ा स्पीड से लेके आएं, जिससे कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और ऊपर जब आप लेके जाएंगे तो पूरा ऊपर थोड़ा होल्ड करें, जिससे कि आपकी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये हो गई हमारी अब चौथी एक्सरसाइज। ये हमारी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है। हैमस्ट्रिंग
कि एक्सरसाइज आपके ये पीछे इस पर लोड पड़ेगा, अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पर ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोस्तों ये हमने आपको, ये भी हमारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको करके बताई है, ये भी आपकी हैमस्ट्रिंग प्लस लोअर बैक की एक्सरसाइज है। ये डंबल से है, बस तरीका अलग है, पर है वही उसी मसल्स का है। इसके भी आपको 3 सेट ही करने हैं उसके ही अकॉर्डिंग, 12, 8, 10, 12, 10, 8। वन टू थ्री कर दे। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट स्क्वाट्स हो गए, इस पर आप ज़्यादा ध्यान रखें, ये आपकी लेग प्रेस मशीन है, इस पर आपको अपने ये जो है मशीन को इसे एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग, और इस पर आप फ्रंट स्क्वाट्स करेंगे, तो इसे ध्यान रखें आप थोड़ा कम वेट से करें, क्योंकि इस पर आपके नी पर ज़्यादा वेट, ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा मतलब इसका ज़्यादा वर्क होता है, तो इस पर आप ज़्यादा वेट से करेंगे तो इसमें अभी आपको इंजरी होंगी, कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा उससे। और ध्यान रखें आप स्लो ही नीचे जाएं, एक साथ नीचे जाओगे तो, और पूरा नीचे नहीं जाना है पूरा मतलब आपके दोनों पैर इस तरीके से नहीं टच होने चाहिए, आपके काफ हैमस्ट्रिंग से टच नहीं होने चाहिए, और ऊपर आओ तो थोड़ा स्पीड से। स्लो स्टार्ट। अगली एक्सरसाइज इसमें आपको लेग प्रेस करने हैं, ये आपकी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है, इसको भी आप ध्यान रखें, आप थोड़ा सपोर्ट करें अपने नी के पास, अपने हाथों को लाएं जिससे कि आपका जो वेट है वो एक साथ नीचे नहीं आए, और ध्यान रखें नीचे स्लो ही लाना है, ऊपर थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, और आप ऊपर ध्यान रखें जब आप पैरों को ऊपर लगाएं तो आपके पैरों का गैप आपके नी के बराबर होना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो बाहर ज़्यादा खुला हुआ हो या आपकी पंजे बाहर या एडी आपके बाहर की साइड हो, तो इसे ध्यान रखें कि आपके शोल्डर या आपके नी आप उसके चौड़ाई के हिसाब से आप अपने पैरों को खोलें और उसी हिसाब से इसे करें। वही 3 सेट सेम 12, 10, 8 जिस आपको वेट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दोस्तों ये आपकी अगले एक्सरसाइज हो गई, ये भी आपकी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है, इसे आप लेट के करोगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच होगी, आपकी इस हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा वर्क, ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो इसे भी आप स्लो ही करें, जब आप आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो तो आप स्लो ही लेके जाएं, अगर आप झटके से नीचे लेके जाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस होते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग खिंचने के, तो ऊपर लेके आएँ तो अब आपकी स्क्वीज होगी, आपकी हैमस्ट्रिंग इकट्ठा होगी, तो आप उसे भी ऊपर स्लो ही लेके आए, इसमें आपको फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके भी आप 3 सेट ही करें अपने अकॉर्डिंग वेट लगा के।
सुंदर लग रहा है। एंड तो दोस्तों ये हमारी काफ्स की एक्सरसाइज है, इसमें आपके तीन वेरिएशन हैं। एक फ्रंट मतलब आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे, एक इनवर्ट के आपके जो पंजे हैं वो अंदर की साइड रहेंगे और पैर बाहर की साइड खुले होंगे, और एक आउटवर्ट जिसमें कि आपके पंजे बाहर की साइड और एडी आपकी अंदर की साइड रहेगी। तो इसको आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब फ्रंट की 10। तो दोस्तों ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज बताई ये पूरी लोअर बैक की एक्सरसाइज थी। इसमें ये मंडे का वर्कआउट होगा, मंडे का वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए, स्पेशली वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज हमने की हैं या जिस तरीके से हमने उन्हें किया है तो वो वॉलीबॉल में उसका यूज़ होता है, तो इसलिए ये मेन वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए है। पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लोअर बॉडी का लेग वर्कआउट है ये मंडे का। साई हॉस्टल के अंदर हम करते हैं इस वर्कआउट को, हमारे कोच साहब कराते हैं। तो दोस्तों ऐसे मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी मेरी ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।